नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बेराड़ तहसील की ग्राम पंचायत उमरी के उमेश उर्फ रवि पुत्र कल्याण यादव ने केमरारा ठेवला में तालाब की भूमि पर कोठरी रखकर अतिक्रमण कर लिया, जिसे हटाने ग्राम केमरारा निवासी विश्राम झिंगुरिया रामकिशन ईसूरी सहित एक दर्जन आदिवासियों ने बैराड़ तहसीलदार सुनील प्रभास को ज्ञापन दिया है। आदिवासियों का कहना है कि वे अपने पशुओं को इसी तालाब से पानी पिलाते थे, लेकिन आरोपी द्वारा तालाब पर पत्थर की कोठरी रखकर पशुओं को पीने जाने से रोका जा रहा है, जिस कारण पशुपालक परेशान हो रहे हैं। आरोपी से कुछ कहने पर वह गाली गलौज कर मारपीट की धौंस देता है। इस मामले में तहसीलदार प्रभास ने मौके पर जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इन पर अतिक्रमण का मामला है, तालाब वगैरह पर कब्जा कर लिया है, इसको लेकर ग्रामीणों ने आवेदन दिया है। सर, क्या कुछ कार्रवाई और क्या आश्वासन दिया है आपने सर ग्रामीणों को? मैं गंभीरता से लिया है, मैंने इसको तत्काल जांच के लिए निर्देशित किया है और जांच कराकर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी निराकरण होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जिला पंचायत में जो भी कम से कम 20 साल से जमीन कर रहे थे, उमेश यादव और रवि जो कि दादागिरी बताता है, कहता है पुलिस हमारी, तहसीलदार सम्माने हमारे यहाँ, तो हमें जो हमारी ज़मीन थी ना वो हमसे चुरा ली गई। तो वो जोत रहा है कम से कम 15 साल से, जो कि हम 20 साल से जोत रहे थे। तो जो सरकारी तालाब है उसी के अंदर वो उसी ने चुरा लिया है, हमारी भविष्य परेशान। बाउंड्री वॉल कर ली है चारों तरफ, हमारी मवेश परेशान है पानी पीने, जो हमारी ज़मीन थी वो चुरा ली। तो किसने चुरा ली है आपकी ज़मीन? उमेश यादव उर्फ रवि, उमेश यादव उर्फ रवि यादव पूर्व सरपंच था पहले, उसने हमारी ज़मीन चुरा ली है। बैराड़ से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।